कांग्रेस सरकार वालों लाल किला हिंसा विच गिरफ्तार लोगों नूं मुआवजे दे ऐलान ते सियासत पकदी जा रही है। भाजपा आगुआ ने पंजाब सरकार नूं घेरिया है। साबित होया कांग्रेस स्पॉन्सर्ड सी लाल किला हिंसा। सुभाष शर्मा वालों ये इल्जाम लाया गया है। पंजाब सरकार ने 83 लोगों नूं 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। दस दें कि कांग्रेस सरकार वालों लाल किला हिंसा विच गिरफ्तार लोगों नूं मुआवजे दे ऐलान ते सियासत भखदी जा रही है। भाजपा आगुआ ने पंजाब सरकार नूं घेरिया। उन्होंने कहा कि साबित होया कि कांग्रेस स्पॉन्सर सी लाल किला हिंसा। पंजाब सरकार ने 83 लोगों नूं 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार वालों लाल किला हिंसा विच गिरफ्तार लोगों नूं मुआवजे दे ऐलान ते हुण सियासत भखदी जा रही है। भाजपा ने पंजाब सरकार नूं घेरिया है। भाजपा आगुआ वालों पंजाब सरकार ते सवाल चुके गए ने। साबित होया कांग्रेस स्पॉन्सर सी लाल किला हिंसा। सुभाष शर्मा वालों ये इल्जाम लाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने लाल किला हिंसा के आरोपियों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा देने का जो निर्णय किया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस ने इस बात को उजागर कर दिया है कि गणतंत्र दिवस पर हुई ये हिंसा, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था, पूरा देश आक्रोशित हुआ था और चाहता था कि दोषियों को सख्त सजाएं मिले, वो हिंसा दरअसल कांग्रेस प्रायोजित थी, कांग्रेस स्पॉन्सर्ड थी। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि पंजाब की देशभक्त जनता की मेहनत की कमाई से लिए हुए टैक्स के पैसे का इस प्रकार देश विरोधियों को देना, उनको कोई अधिकार नहीं है इस बात का। अगर उनको कोई हमदर्दी है तो अपनी जेब से उनको मुआवजा दे सकते हैं, लेकिन पंजाब की जनता को उनको जवाब देना होगा कि कांग्रेस देश तोड़ने वाली शक्तियों के साथ क्यों खड़ी है। पहले भी कांग्रेस इसी प्रकार देश विरोधी ताकतों के साथ रहती है। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि इस हिंसा में कांग्रेस की क्या भूमिका थी, कांग्रेस के नेताओं की क्या भूमिका थी, इसकी भी जांच एनआईए को सौंपें। कहीं ये पंजाब के भाईचारे को, पंजाब की शांति को बर्बाद करने की कोई साजिश तो नहीं थी। ਦੇ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰੀ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਸਾਥ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਤ। ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਜਨਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। 2022 ਕਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ।